ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आपका अलाइव 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। जी हां, वेदों में गुरु की महिमा का मंडन करते हुए उन्हें ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है। कबीर दास ने भी गुरुओं का सम्मान करते हुए कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है क्योंकि एक शिक्षक ही समाज को सार्थक करते हैं। शिक्षक ही हमें जीने का तरीका और आने वाली परेशानियों से लड़ना सिखाते हैं और उन्हीं गुरुओं के सम्मान में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैसे तो शिक्षकों का कोई एक दिन नहीं होता, उनके लिए तो हर दिन महान है। फिर भी 5 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन एक महान शिक्षक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, वक्ता, विद्वान, राजनायक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्र के धनी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वो एक महान शिक्षक थे तथा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया। डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि सही शिक्षा से समाज के सभी प्रकार की बुराइयों को मिटाया जा सकता है, इसलिए विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। हम आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि काफी थी। आरंभिक शिक्षा इनकी तिरुवल्लूर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति मिशन स्कूल में हुई थी। फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक का पद संभाला। 16 साल की उम्र में उनका विवाह 1903 में शिवा कामू के साथ हो गया था। वर्ष 1954 में शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। हम आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल अध्यापन को दिए थे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद राधाकृष्णन को जवाहरलाल नेहरू ने राजदूत के रूप में सोवियत संघ में राजनयिक कार्य करने का आग्रह किया। 1952 तक वह इसी पद पर रहे और उसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1962 में समाप्त होने के बाद उनको भारत का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया। 17 अप्रैल 1975 में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। हम आपको बता दें कि शिक्षक दिवस देश में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, उत्सव कार्यक्रम आदि होते हैं। बच्चे अपने टीचर्स को गिफ्ट देते हैं। कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही भाग लेते हैं और गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने का संकल्प लेते हैं। इसी दिन शिक्षकों को मान सम्मान देकर उनके काम की सराहना करते हैं। हम आपको ये भी बताते चले कि भारत देश में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न देवतुल्य सम्मानित हस्तियों का काफी योगदान रहा है। अपने जीवन काल में इन सभी लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा, सावित्री बाई फुले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब, सर सैयद अहमद खान साहब, ये सभी नाम उन महान शिक्षाविदों के हैं जिन्होंने पूरे विश्व में ज्ञान की अलग जगाई है। वैसे हम आपको बताते चले कि शिक्षक दिवस को मनाने के लिए तिथियां विभिन्न देशों में अलग अलग हैं। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से शिक्षक दिवस को मनाने के लिए 5 अक्टूबर को चुना है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, गुरु की ऐसी कृपा हुई मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। 5 सितंबर का दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में ही नहीं बल्कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और लोगों में शिक्षा के प्रति चेतना जगाने के लिए भी मनाया जाता रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज़।